हेलो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन मैं आप लोगों के साथ लेने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है। पिछले कई समय से आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। सारे 9th स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि मैं कुछ रीजन से रुका था। क्यों रुका था वो आपको सेशन के बीच में समझ में आ जाएगा। ये एक ऐसा सेशन है जो शायद आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन हो। हाउ टू अचीव योर गोल, इस सेशन का मैं नाम रख रहा हूँ। हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं और क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसका हम धीरे धीरे से डिस्कशन करेंगे। आप क्लास 9th, 10th या क्लास 8 में हैं, आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, आप कैसे आगे बढ़ें और किन चीज़ों पे आपका फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, वो मुझे आपको बताना। देखिए, मेरे साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब मैं क्लास 12th में था, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में मैंने 11th 12th के स्टूडेंट को पढ़ाया, फिर उसके बाद कैट के स्टूडेंट को पढ़ाया, बहुत सारे स्टूडेंट IIM में सिलेक्ट हुए, उसके अलावा फिर MCA के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जो कि IIT या NITs में सिलेक्ट हुए, UPSC स्टूडेंट को भी पढ़ाया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह काम आता है। तो आप सब 9th 10th स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा, हो सकता है अक्सर ये देखा होगा आपने कि नॉर्मली जो टीचर होता है वो अपनी डोमेन में रहता है, पर मेरे साथ क्योंकि मैथ्स एक सब्जेक्ट है, मैथ्स रीजनिंग एप्टीट्यूड मेरा पढ़ाने वाला सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के वजह से मैं हर एक डोमेन में मैंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ाया हुआ है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है और क्लास 9th 10th में क्यों हमें बेस प्रिपरेशन करना चाहिए, किस ढंग से पढ़ना चाहिए कि आगे हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ। क्योंकि जब मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ या 12th पास स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो जो मैंने फील किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आप हो सके तो उन सब चीज़ों को समझें और अभी से अपना फोकस क्लियर रखें। क्योंकि अगर आपका फोकस क्लियर है तो आप वो अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सबसे हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपके पास अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें क्लास 9th 10th में, तो क्लास 9th और 10th में आपको एक तो 9th 10th तो सब्जेक्ट पढ़ना ही है, पर उसके साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम चालू हो जाते हैं। जैसे क्लास 10th में आप NTSC का एग्ज़ाम देते हैं। मैं NTSC में मैथ पोर्शन को भी कवर करता हूँ, मैथ्स पोर्शन को भी कवर करता हूँ, धीरे धीरे आपको उसके भी वीडियो शेयर करूँगा। और यहाँ पर जितने भी एग्जाम लिखे इससे रिलेटेड डिटेल सेशन भी सेपरेट भी लेने वाला हूँ। अभी मैं कंबाइंड लेने वाला हूँ, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जितने नाम लिखे उसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं, पर एक पॉपुलर जो एग्जाम्स होते हैं जिनको हमने कहीं ना कहीं सुना होता है, उन एग्जाम्स के नाम इसलिए लिखे कि आप उससे अपने आप को समझ पाएँ, जल्दी अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो NTSC ओलंपियाड में साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड या KBPY एग्ज़ाम्स होते हैं जो आप 10th में दे सकते हैं, 9th में दे सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप क्लास 12th में आते हैं, 11th में आते हैं, तो आप कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं, या तो कॉमर्स लेते हैं या मैथ्स लेते हैं या बायो या आर्ट्स लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप 9th 10th में हैं तो आपके पास हाईएस्ट ऑप्शंस हैं। आप क्लास 11th 12th में आए, आपके पास ये ऑप्शंस हैं। आपने ग्रेजुएशन में आके सोचा तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। यानी धीरे धीरे हमारे पास ऑप्शंस कम होते जाते हैं। एक और प्रॉब्लम जो मैंने देखा है या फेस की है कि जिन स्टूडेंट का क्लास 9th 10th का कंसेप्ट या बेस स्ट्रांग नहीं होता, वो आगे भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर हम हायर मैथ्स के रिलेटेड एग्जाम छोड़ दें, लाइक IIT को छोड़ दें या इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्जाम छोड़ दें या NDA छोड़ दें, तो जो भी एग्ज़ाम हम देंगे आगे जाके, चाहे वो कैट का हो, चाहे वो UPSC का हो, चाहे गेट का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का, 9th 10th का मैथ्स हर जगह काम आता है। तो मेरा सब्जेक्ट मैथ्स होने के वजह से इन सारे एग्ज़ाम से कहीं ना कहीं मैं जुड़ा रहा, इन सारे एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ और सारे एग्ज़ाम्स में टॉपर्स स्टूडेंट्स को निकाला हुआ है, निकले हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोजिशन पर आ जाएँ। तो इसलिए जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और अगर आपने उस बात को बहुत गहराई से बहुत डीपली समझा, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आज से 5 ईयर बाद या 6 ईयर बाद आप इस सेशन को जरूर याद करेंगे कि सर सर ने जो सेशन लिया था वो सेशन से मुझे ये फ़ायदा हुआ। क्योंकि मेरे साथ आज वो स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं जो 15 साल पुराने थे, मेरे साथ आप लोग भी अगले कई साल तक जुड़े रहने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ्स और एप्टीट्यूड का रोल आपकी लाइफ में हमेशा रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि क्लास 9th और 10th में क्या करना चाहिए। अब हम एक एक सिस्टम से आते हैं कि क्लास 9th और 10th में क्या करना है। अगर आप क्लास 9th में हैं या क्लास 10th में हैं, तो आप सबसे पहले अपना एक गोल सेट करिए कि आप अपने आप को
कहाँ देखना चाहते हैं, किस तरह के एग्जाम में जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो कई बार हमें क्लास 9th 10th में समझ में नहीं आता हमारा इंटरेस्ट एरिया क्या है, 9th में स्पेशली, 10th में तो आने लगता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला तो टारगेट हमें ये रखना है कि 9th और 10th में हमारा स्कोर अगर देखें तो हम अपने आप को 100% प्रिपेयर करें। यानी 9th और 10th में आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आप अपना 100% स्कोर कैसे लाएं, 10 CGPA कैसे बनाएं, ये एक बेसिक टारगेट होना चाहिए। और अगर आप क्लास 9th में हैं तो आप 10th का सिलेबस करेंगे, 10th में तो आप 11th का, 11th में तो आप 12th का, कम से कम आप एक साल आगे रह के चलने वाले हैं। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे जो बच्चे IIT में, क्लैट में, मेडिकल में सिलेक्ट होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th के साथ, आप अगर उन बच्चों की 100 बच्चों की हिस्ट्री निकालेंगे तो 80% से ऊपर स्टूडेंट वो होते हैं जिन्होंने 9th 10th में ये डिसाइड कर लिया होता है कि मुझे आगे जाके ये करना है, और फिर वो उस ढंग से फोकस होकर पढ़ाई करते हैं। और यही जो लोग 11th में जाके सोचते हैं उनका परसेंटेज थोड़ा कम होता है, जो 12th में देखते हैं उनका और कम हो जाता है, इसलिए उनको ड्रॉप लेना पड़ता है। आप कभी भी देखें जो स्टूडेंट 12th के बाद एक साल का ड्रॉप लेते हैं, उस स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा वो स्टूडेंट का परसेंटेज होता है जिन्होंने 11th के बाद या 12th में सोचा है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो सबसे राइट टाइम ये है कि हम क्लास 9th या 10th में ये डिसाइड कर लें कि हमें क्या करना है। और ध्यान रखिए, मैं आपको फिर बोलूँगा कि अगर मेरे मुँह से बार बार IIT निकले तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको IIT में जाना है, क्योंकि मेरा मेजर डोमेन IIT रहा, इसलिए वो वर्ड बार बार आता है। आप कोई भी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, इनके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हैं। करियर बनाना है, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, पर किसी एक को पकड़ना है और फिर उसके एंड तक जाना है। अगर आपने सोचा है कि आपको डॉक्टर बनना है तो कंपाउंडर नहीं बनना है, अगर आपने सोचा है कि इंजीनियरिंग करनी है तो हम टॉप कॉलेज से इंजीनियरिंग करेंगे, अगर आपने सोचा है कि CA बनना है तो CPT ही निकाल के करेंगे 12th के साथ बिना किसी ड्रॉप के, अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है तो आप क्लैट से निकालेंगे। यानी जो आपने टारगेट सेट किया है वो अगर राइट टाइम पर सेट किया है तो अचीव करना हमारे लिए आसान होता है। और क्यों 9th 10th में डिसाइड करना आसान है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो मैंने अप टू ग्रेजुएशन लेवल और ग्रेजुएट लेवल के बाद भी आप क्या क्या करने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये लॉन्ग सेशन है और ये लॉन्ग सेशन को आप पूरा A to Z स्टार्टिंग से एंड तक सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और अभी हम इन एग्जाम्स के बारे में, क्लैट हुआ, CPT हुआ, JEE हुआ, NEET हुआ, NDA हुआ या CAT, UPSC, इनका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करेंगे, पर बाद में इन सेशन से, इन पूरे एग्जाम से रिलेटेड मैं सेपरेट सेशन भी लूँगा और इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। हर एक एग्ज़ाम में मैथ्स एप्टीट्यूड आता है, तो जो लोग मैथ्स से, जिनको डर लगता है, मैं आप सबको बोलूँगा मैथ्स से डरना नहीं है। देखिए, इसलिए मैंने जोड़ा है कि कॉमर्स वाले हो तो भी एडिशनल मैथ्स लो, बायो वाले हो तो भी एडिशनल मैथ्स लो, आर्ट्स वाले हो तो भी एडिशनल मैथ्स लो। मैथ्स से आपको अपने आप को दूर नहीं करना है, मैथ्स हमारे लॉजिक्स को डेवलप करता है, हमारे रीजनिंग को डेवलप करता है, इसलिए हर एग्ज़ाम में मैथ्स आता है। आप में से कई लोग, जैसे जब मेरे पास जो MCA स्टूडेंट आते हैं उसमें मोस्टली वो स्टूडेंट होते हैं, या CAT में भी नॉन BE वाला स्टूडेंट भी CAT देता है जिनका मैथ्स नहीं होता, और वो 10th में मैथ्स इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि मैथ्स से डर लगता है, ग्रेजुएशन में जाके समझ में आता है अरे यार मैथ्स फिर से आ गई। अब क्या होता है कि आज से 4-5 साल बाद, मतलब 3-4 साल अगर आपने मैथ छोड़ दी, फिर से पढ़ना पड़े तो बहुत टफ होता है। तो 9th 10th तक तो आप मैथ्स पढ़ रहे होते हो, तो कंटिन्यूसली मैथ्स पढ़ने में उतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी कि 2 या 3 ईयर के गैप के बाद। तो अगर आप में से किसी प्लान कॉमर्स, बायो या आर्ट्स लेने का है तो मैं आपको एक ऑनेस्टली सजेशन दूंगा कि आप मैथ्स एडिशनल लें, ये ऑप्शन हमारे यहाँ होता है, तो इस ऑप्शन को ना छोड़ें। कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम बुरी नहीं है, चाहे आप कॉमर्स लें, चाहे मैथ्स लें, चाहे बायो लें या आर्ट्स लें, बट मैथ्स एज अ एडिशनल सब्जेक्ट जरूर रखें जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना। एक बार, अक्सर कॉमर्स वाले स्टूडेंट मैथ्स छोड़ देते हैं, कई कॉमर्स विद मैथ्स भी लेते हैं, बायो वाले मैथ्स छोड़ देते हैं और आर्ट्स वाले, क्योंकि उनको मैथ्स से फेयर होता है, डर होता है, पर उनको ये नहीं पता कि अगर मैथ्स नहीं लिया तो आज नहीं तो कल फिर मैथ्स में प्रॉब्लम आएगी। कॉमर्स भी एक तरह से मैथ्स का ही पार्ट है। बायो में जब हम फिजिक्स पे कमांड जब आता है, जब मैथ्स के अच्छे कंसेप्ट होते हैं, इनफैक्ट बायो के कई बच्चों को भी मैंने फंडामेंटल मैथ्स सिखाई हुई है, तो मैं आपको बोलूँगा मैथ्स से तो बच ही नहीं सकता। तो फिर वो जब 11th और 12th में हम मैथ्स छोड़ देते हैं
तो हमें प्रॉब्लम आती। तो आप सब स्टूडेंट को जो 9th 10th में हैं, एक मंथ तो बिल्कुल बना लें कि चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को लें, मैथ्स एज अ एडिशनल लेना है। छोड़ने के बाद दोबारा पढ़ने में प्रॉब्लम होती, नहीं छोड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और कंटिन्यूसली पढ़ते चलें। अब बात करते हैं 9th और 10th। सबसे पहला काम अपने सब्जेक्ट पर स्ट्रॉन्ग कमांड करना, चाहे फिर वो फिजिक्स हो चाहे साइंस हो। अगर हम 9th 10th का सिलेबस देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इनफैक्ट 11th में जब आते हैं तो कंपेयर टू 10th सिलेबस 10 टाइम बढ़ जाता है, इसलिए एकदम से प्रॉब्लम होती है। तो हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि हम 9th और 10th में सब्जेक्ट को 100% कवर करें। मैथ्स 100% करें, बायो 100% करें, साइंस 100% करें, सारे सब्जेक्ट को 100% करें। 10 CGPA लाएँ, NTSC ओलंपियाड KVPY की तैयारी करें। NTSC एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। अगर आप 9th 10th में से कोई भी बच्चा इन एग्ज़ाम को क्लियर करता है तो आप समझ लीजिए, जब कभी भी आप कैट, UPSC या कोई भी एग्ज़ाम का इंटरव्यू देंगे और आप उसको अपने सिलेक्शन की लिस्ट दिखाएंगे, देखिए NTSC के थ्रू स्कॉलरशिप मिलती है, बट स्कॉलरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। और जब आप वो इंटरव्यू में अपना सिलेक्शन दिखाते हैं तो जो सिलेक्शन कमेटी होती है उस पर भी आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन आता है, और वो इंप्रेशन ये आता है कि ये स्टूडेंट 9th 10th से ही सिंसियर है अपने करियर को लेके, इसलिए इस बात को समझिए, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम समझें। अच्छा, एक और बात है, कई बच्चे बोलते हैं, मैं इसलिए आपको धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, कि सर इन एग्जाम्स में बहुत कॉम्पिटिशन होता है, IIT हुआ, मेडिकल हुआ। मैं आपको एक बात बोलूँगा कि अगर मैं एजुकेशन और स्पोर्ट को कंपेयर करूँ या अदर फील्ड को कंपेयर करूँ, एक तरफ पूरी एजुकेशन ले लूँ, एक तरफ अदर्स एजुकेशन, एक तरफ अदर्स, अदर्स में स्पोर्ट, डांस, सिंगिंग, अदर एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, यहाँ पर एजुकेशन, तो आपको मैं बता दूँ कि कंपेयर टू अदर एक्टिविटी एजुकेशन के थ्रू आगे बढ़ना बहुत आसान है कंपेयर टू अदर। अगर आप सोचते हो कि आप क्रिकेटर बन जाओ, क्रिकेटर इसलिए बोला क्योंकि इंडिया में बहुत फेमस है, तो आप सोचिए कि क्रिकेट 11 में सेलेक्ट होने के लिए कितनी स्टेज होती हैं। जो बहुत अच्छे क्रिकेटर होते हैं जैसे सुनील गावस्कर या जो भी हम नाम लें, उनके भी बच्चे कई बार आगे नहीं बढ़ पाते हैं, यानी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंट चाहिए होता है जब बढ़ पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं, अगर आप में वो हुनर है, अगर आप में कोई स्पोर्ट वाला, सिंगिंग वाला या कोई भी हुनर है, तो मैं बोलूँगा उसमें बिल्कुल बढ़ें। इनफैक्ट मेरे साथ जितने स्टूडेंट आज तक जुड़े हैं, जिनमें भी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, मैं हमेशा उसको प्रमोट करता हूँ। वो आपकी एक्स्ट्रा क्वालिटी है जिसको अगर आप डेवलप करो तो हो सकता है आगे बढ़ जाओ। बस मैं यहाँ पे कॉम्पिटिशन बता रहा हूँ, अगर आप सोचते हो कि आप अच्छा डांस करते हो, अगर आप अच्छी सिंगिंग करते हो, तो कंपटीशन का लेवल एजुकेशन के कंपेयर में कई गुना, कई टाइम्स ज़्यादा है, कई टाइम्स। इसलिए एजुकेशन के थ्रू आगे बढ़ना कंपेयर टू अदर फील्ड, मैं बोलूँगा हमेशा सिंपल होता है। बट आप में अगर कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी हैं तो फिर उसको भी आप निखारो, उसको भी आगे बढ़ाओ, साथ में एजुकेशन करनी है। तो सबसे पहला काम कि आप 9th 10th के साथ एक चीज़ दिमाग में बिठा लें कि NTSC या ओलंपियाड या KVPY का एग्ज़ाम देना है, जिसमें आपको ट्राई भी करना है कि निकालें। NTSC में मैट का पेपर होता है, एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट और एक सेट का पेपर होता है, जिसमें 9th 10th का सिलेबस होता है। नवंबर में एग्ज़ाम होता है फर्स्ट स्टेज, उसके बाद सेकेंड स्टेज अप्रैल में होता है। इन एग्ज़ाम्स को भी आपको निकालना है। अगर ये एग्ज़ाम आपने निकाल लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अदर स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो पहला टारगेट रखिए कि 9th और 10th में। अच्छा, दूसरा, क्लास 9th में हैं अगर आप, तो 10th का सिलेबस कंप्लीट करिए, क्योंकि 9th में 10th का बहुत कुछ मिक्स टॉपिक हैं, और दूसरा 9th का सिलेबस इतना नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप करिए, भले ही 50% करिए पर करिए, और जैसे ही 9th के एग्ज़ाम ख़त्म हो 10th का पूरा सिलेबस समर वेकेशन में निकाल दीजिए, जिससे कि आप 11th के सिलेबस को 10th में पढ़ पाएँ। क्योंकि आप देखेंगे मोस्टली बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं 6 मंथ से 1 ईयर आगे रहते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो मैं आपको बोलूँगा 10th के साथ साथ 11th के भी कुछ पोर्शन को पढ़ते हुए चलिए। जैसे मैं मैथ्स में एग्जांपल दूंगा, यही फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी होता है। जैसे मैथ्स में कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो क्लास 11th में भी मिलेंगे, जैसे क्लास 10th में एक एग्जांपल बोलता हूँ, सेट थ्योरी है तो 11th में भी सेट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में भी है, 11th में भी है, प्रोग्रेशन 10th में भी है, 11th में भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में भी है, 11th में भी। पर क्या डिफरेंस है, 10th में बिल्कुल बेस है, मतलब समझ लो कि अगर मैं बोलूं कि 100% कोऑर्डिनेट तो उसमें केवल 2
या 3% केवल 10th में, बाकी सब 11th में। पर क्यों ना हम 10th के साथ 11th की ये टॉपिक कर ले। मैंने करवाए हुए भी इस ढंग से, जो बच्चे मेरे पैकेज लेके पढ़ते हैं वो बिल्कुल उसी ढंग से पढ़ते हैं। तो आप क्लास 9th में या क्लास 10th में जो टॉपिक 11th 12th में होने वाले हैं उनको अभी से कवर कर लें। राइट, मैथ्स सबको लेना, मैथ्स तो छोड़ने नहीं, दिमाग से निकाल देना आप, नहीं तो आपको, ये मेरी बात है, आज नहीं तो बाद में परेशान करेंगे। तो नंबर वन कि आपको, और यही चीज़ फिजिक्स में होती है, यही केमिस्ट्री में होती है, तो आपको फिजिक्स में भी यही करना है कि 11th के टॉपिक को कवर करना है, केमिस्ट्री में भी यही करना है, बायो में भी यही करना है। अगर आपका, आपको आगे जाके बायो लेना है तो नहीं लेना है, आपको कॉमर्स लेना है तो केवल मैं मैथ्स के लिए बोलूँगा। तो आप 10th क्लास में अगर हैं तो 11th क्लास के मैथ्स को भी कवर करते हुए चलें, ठीक है। जैसे ही 10th का एग्ज़ाम ख़त्म होगा अब आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, या तो आप कॉमर्स लेंगे, या आप मैथ्स लेंगे, या आप बायो लेंगे, या आर्ट्स लेंगे। राइट, अब नॉर्मली मैथ्स सबसे ज़्यादा बच्चे लेते हैं, मैथ्स या बायो, कॉमर्स लेते हैं, उसके बाद आर्ट्स लेते हैं। ऐसा नहीं कि आर्ट्स में स्कोप नहीं है, इनफैक्ट आज से कई 5-10 साल पहले तो आर्ट्स, UPSC में सबसे ज़्यादा आर्ट्स वाले बच्चे ही सिलेक्ट होते थे। पर अभी सिनारियो चेंज हो गया क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट्स बहुत हो गई हैं, इंजीनियर ग्रेजुएट बहुत हो गए, तो अब वो लोग भी UPSC, PSC, CAT, GATE, GATE तो नहीं के लिए होता था, बैंकिंग, इन सब एग्ज़ाम में इंटर होने लगे हैं, इसलिए अब उनका भी सिलेक्शन परसेंटेज बढ़ गया। यानी अब UPSC में भी सबसे ज़्यादा साइंस ग्रेजुएट सिलेक्ट होने लगे हैं, और उसमें भी BTEC वाले। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा, ये आपका मर्जी है कि क्या लेना है। आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे, आपने चाहे कॉमर्स लिया, चाहे मैथ्स लिया, चाहे बायो लिया, आर्ट्स, अगर सपोज़ आपने कॉमर्स लिया है तो हो सकता है आप आगे जाके क्लैट या CPT का एग्ज़ाम दें। CPT एग्ज़ाम CA के लिए होगा, क्लैट लॉ के लिए होगा, ये दोनों बहुत अच्छे एग्ज़ाम हैं। और अगर आपने इनके लिए 11 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आप 12th के फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। कैसे करना चाहिए तो देखिए, किसी भी, मैंने अभी फिर बोला कि इनके से रिलेटेड मैं एक अलग सेशन लूँगा सभी का एक, बट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप क्लैट की इन्फॉर्मेशन नेट से निकाल सकते हैं, CPT की इन्फॉर्मेशन निकालें, इसका सिलेबस देखें। पर इन सारे एग्जाम का सिलेबस 11th 12th वाला ही होता है, और मैथ्स सब में होता है, पर मैथ्स डिपेंड करता है। इसमें जो CPT में अगर हम मैथ्स देखें तो 11th 12th वाला होता है, पर एडवांस लेवल नहीं होता। जैसे कैलकुलस है तो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन ही नहीं आते, क्लैट है इसमें एप्टीट्यूड और बेसिक मैथ्स होता है। अगर 9th 10th में मैथ्स अच्छा है तो आप निकाल सकते हैं। तो अगर कॉमर्स लिया तो ये, इवन अगर आपने मैथ्स लिया, एक याद रखिएगा, मैथ्स वाले स्टूडेंट हर तरह का एग्जाम दे सकते हैं। अगर उनके पास मैथ्स विद बायो हो तो मेडिकल भी दे सकते हैं, अदरवाइज मेडिकल को छोड़ के मैथ्स का स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हर तरह का एग्जाम दे सकता है। तो अगर आप में से किसी को भी 10th के बाद ये कन्फ्यूजन है कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना, तो मैं बोलूँगा मैथ्स लो। अगर कन्फ्यूजन है नहीं तो जो आपकी मर्जी बोलें। तो अगर आप देखें कि पिछले कुछ सालों में CPT या क्लैट में मैथ्स वाले बच्चे भी बहुत सिलेक्ट होते हैं, मतलब कंपेयर टू कॉमर्स में बोलूँगा लगभग रेशियो उतना ही रहता है मैथ्स वालों का भी जितना कॉमर्स वालों का रहता है। राइट, तो मैथ्स लेने का एक एडवांटेज ये हो सकता है। तो आपने सपोज कॉमर्स लिया तो आप ये एग्ज़ाम देंगे, ऐसे रिलेटेड एग्ज़ाम देंगे। अगर आपने मैथ्स लिया है तो आप IIT-JEE देने वाले हैं, या हो सकता है NDA दें, या अदर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम दें लाइक बिट्स वगैरह। IIT एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसने हर किसी बच्चे का, मेरे पास जो सबसे ज़्यादा मैसेज आते हैं 9th 10th में स्टूडेंट के, वो IIT से रिलेटेड ही आते हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि 12th के साथ ही आपका IIT निकले, तो उसका जो मैं आपको सिंपल सा अप्रोच बता रहा हूँ, उस अप्रोच को ध्यान रखिए कि 9th और 10th में आपको 11th का सिलेबस को कम से कम 60-70% कंप्लीट करना है, और जब आप क्लास 11th में आएँ तो 12th के सिलेबस को ट्राई करें कि 50% तक सिलेबस 11th के साथ हो, और जैसे ही 11th के एग्ज़ाम हो तो ड्यूरिंग समर वेकेशन आप 12th के सिलेबस से फ्री हो जाए, अगर आपने ये सोचा है तो। दूसरा, एक बहुत अफवाहें रहती हैं, सर डर बनाया हुआ है कि IIT बहुत टफ एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है। मैंने पूरे 39 ईयर के पेपर सॉल्व किए, सेशन लेने का रीज़न भी लेट यही था कि पहले मैं सारी चीज़ें खुद करूँगा फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा, और 39 ईयर के पूरे IIT के पेपर सॉल्व करे, मेंस के सॉल्व करे 17 ईयर के, अब वो स्टूडेंट उससे पढ़ाई भी कर रहे हैं उस पैकेज से। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी पेपर टफ नहीं था, बहुत ही लॉजिकल अप्रोच थी, और 11th 12th का बेस जिसका स्ट्रांग था, बेस वही बच्चा निकाल सकता था, और 11th 12th का बेस में भी 9th 10th के टॉपिक का कमांड होना चाहिए, अगर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत होती है। तो आप कॉमर्स लिए तो ये देंगे, मैथ्स लिया तो आप IIT दे सकते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, अभी मैंने NDA के पेपर्स भी डाले हुए हैं, एंड टफ नहीं होता पर टाइम ड्यूरेशन कम होता है। जैसे मैथ्स का जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है और 120 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो वहाँ पर स्पीड एक्यूरेसी ये सब लगती है, और
अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स, इन सब में तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि पहला 9th 10th में 10 CGPA बनाना और साथ में इन एग्जाम्स को टारगेट करके क्रैक करना है, निकालना ही है, ऐसा नहीं कि ये देना ही है, इन एग्जाम्स को आपको निकालना है। फिर 11th में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेके ट्राई करें कि एडिशनल मैथ्स जरूर लें। मैथ्स लिया तो कोई दिक्कत नहीं, बायो वाले बच्चों को भी बोलूँगा, कई पेरेंट्स बायो वाले बोलते हैं सर मैथ्स लेने से एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, पर आता जरूर है, पर मैथ्स के वजह से आपके मैथ्स के कंसेप्ट स्ट्रांग होने के वजह से आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होती है, जो आपको नीट या एम्स में सिलेक्शन में कहीं ना कहीं हेल्प करती है, राइट। तो आपने, और दूसरा ये कि 12th के परसेंटेज हमेशा काम आते हैं, इसीलिए IIT में 12th के 75% अब करे हैं, क्योंकि जिस बच्चे का बेस स्ट्रांग नहीं होता वो इन एग्जाम्स को सिलेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए IIT ने परसेंट का क्राइटेरिया भी रखा। तो कई लोग या ऐसे कई बच्चे आते हैं जो IIT की तैयारी करते हैं मेरे पास, और उनके वो हमेशा ये बोलते हैं सर हमने IIT की तैयारी कर ली है पर हमारा 12th क्लियर नहीं हो पा रहा है या 12th का बेस स्ट्रांग नहीं है। तो मैं बोलता हूँ फिर मिसगाइडेड हो गए, ऐसा मिसगाइडेड नहीं होना है। अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो आप कैसे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर लेते हो? तो वो क्या है कि आपको क्वेश्चन रटना नहीं है। कई सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर IIT में जो क्वेश्चन आते हैं या इन एग्जाम में वो याद करवा दिए जाते हैं, मैं बोलूँगा ऐसा नहीं करिएगा। आप क्लास 9th 10th से एक थंब रूल बना लो कि आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, नंबर की पढ़ाई नहीं करनी है। जब आप नॉलेज के लिए पढ़ते हैं तो नॉलेज भी आती है और नंबर्स भी आते हैं, पर जब आप नंबरों की पढ़ाई करते हो तो ना नंबर आते हैं ना नॉलेज बढ़ती है। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी, ये सब सारी चीज़ें मैं आपके साथ धीरे धीरे छोटे छोटे सेशन लूँगा, आपका आपको पढ़ाई कैसे करना चाहिए सब, पर अभी मेरा फोकस है कि आप समझें इस बात को कि क्यों 9th 10th में टारगेट सेट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपको गोल मिले तो बिल्कुल आसान है। तो आप या तो IIT देंगे, अगर आप मेडिकल एग्जाम दे रहे हैं, देखिए सबसे टफ कंपटीशन मेडिकल एग्जाम में होता है, कोई डाउट नहीं। अगर मैं किसी भी एग्जाम से कंपेयर करूं तो मेडिकल एग्जाम में सबसे टफ कंपटीशन होता है। बट अगर आपका ड्रीम है डॉक्टर बनना तो आप डॉक्टर ही बनिए, कंपाउंडर मत बनिए। अगर आपका ड्रीम है IIT से BTech करना तो IIT से करिए, कंप्रोमाइज़ मत करिए। अगर आपका ड्रीम है क्लैट तो क्लैट ही निकालिए। पहले तो किसी एक सिंगल एग्जाम पे, मैं 10 एग्जाम बोल सकता हूँ पर आपको किसी एक एग्जाम पे फोकस होना। जब आप सिंगल एग्जाम पे फोकस होंगे तो उस एग्जाम से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़ेंगे, जब चार जगह आप पैर डालेंगे तो आपको प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि हर एग्जाम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट नेचर होता है। मैं अगर बात करूँ NDA और IIT की तो इसमें बहुत डिफरेंस होता है। NDA में एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, उसमें जनरल नॉलेज तक के क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्जाम्स ही अलग अलग हैं। जब एग्जाम्स ही अलग अलग हैं, मतलब पैटर्न अलग अलग है, तो हम कैसे पॉसिबल है कि सबको एक साथ पकड़ के चलें? कोई एक एग्जाम पकड़ लीजिए, कुछ भी बुरा नहीं होता। अब ये करने के बाद आप इनके थ्रू ग्रेजुएट करने वाले हैं। अब आपने सपोज BTech करा IIT से, मेडिकल करा तो ऑब्वियसली आप PG करेंगे। अगर आपने क्लैट CPT कर लिया, ये भी जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, तो CA बन जाओगे आप या लॉ एंट्रेंस के थ्रू एडवोकेट जज बन जाओगे तो प्रॉब्लम खत्म। पर सपोज आपने BE किया या आपने BTech किया IIT से, या आपने सपोज BCA किया या सिंपल ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन के बाद जो एग्जाम होने वाले हैं, अगर आप में से कई लोगों का सपना 9th क्लास में ही हो सकता है कि मुझे कलेक्टर बनना है, तो उसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है। मतलब आप डायरेक्ट तो बन ही नहीं सकते, पहले आपको 12th तक आना है, फिर 12th के बाद ग्रेजुएट होना है, और ग्रेजुएट के बाद ही आप UPSC सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। आप में से कई लोगों का एम होगा कि IIM से MBA करना है, क्योंकि IIM से MBA करना या टॉप 20 स्कूल से MBA करना अपने आप में बहुत वैल्यू लगा रखता है। तो याद रखिएगा कि ये बहुत वैल्यू रखता है। या आप में से कई लोगों का हो सकता है GRE GMAT का प्लान हो, मिस बाहर जाने का आपका, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का, पर ये सब लड़ाई यहीं से वहाँ तक जाने वाली। तो अगर आप में से कई लोग, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो UPSC जिन्होंने निकाला और बहुत अच्छी रैंक के साथ निकाला, उनमें से जो भी बच्चे जिन्होंने निकाला उनमें से सभी का 9th 10th में ये ड्रीम था कि सर मुझे तो कलेक्टर बनना है या मुझे IAS बनना है। अब IAS बनना है, इसका मतलब है कि उन्होंने यहाँ से अपने आप को तैयार करना चालू कर दिया, इसलिए ग्रेजुएट के बाद निकला। अब ग्रेजुएशन के बाद आप सोचोगे या ड्यूरिंग ग्रेजुएशन सोचोगे कि मुझे निकालना है, तो आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। मतलब हो सकता है ग्रेजुएशन के बाद 2 या 3 साल लग जाए। हर एग्जाम का एक अपना नेचर होता है। UPSC के लिए मिनिमम 4 to 5 ईयर प्रिपरेशन लगती है, कैट के लिए 3 ईयर, गेट के लिए 2 to 3 ईयर, MCA के लिए 1-1.2 ईयर, रेलवे बैंकिंग या अलग टाइप के एग्जाम्स हैं पर इसमें भी 1-2 साल तो लगते हैं।
तो अगर आपने 10th क्लास से सोच लिया कि मुझे कलेक्टर बनना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी से अपनी जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करते चलोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पे कमांड करोगे, आपको वो रीडिंग की आदत पड़ जाएगी। अगर आप सोचते हो कि मुझे कैट में जाना है, तो आपकी रीडिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब आप उस पर वर्क करना चालू करोगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में अलग अलग स्किल चेक किए जाते हैं। तो जो स्किल चेक किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को यहाँ डेवलप करने का टाइम मिलेगा। जैसे फिटनेस क्लब ज्वाइन करते ही तो बॉडी नहीं बनती ना, पर कई लोगों की गलतफहमी होती है कि हमने फिटनेस क्लब ज्वाइन कर लिया, अब हम 3 दिन के अंदर सलमान खान बन जाएंगे। जो ये सोचते हैं, उन्हीं के साथ प्रॉब्लम होती है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि जैसे अच्छी बॉडी बनाने के लिए एक टाइम ड्यूरेशन लगता है, बिल्कुल वैसे ही एक अच्छे करियर बनाने के लिए एक टाइम लगता है। तो अगर आपने 9th-10th में डिसाइड किया कि मुझे क्या बनना है, तो मैं आपसे ज़्यादा श्योर हूँ कि आप वही बनेंगे जो आपने सोचा है। पर पहले तो 4 चीज़ें दिमाग में नहीं आना चाहिए, एक सिंगल ऑप्शन। दूसरा, जो भी आपने सोचा उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, एक जगह नोट करो, जहाँ पढ़ते हो वो लगा दो, अभी से लगा दो। मतलब आप आज से 6 साल बाद कलेक्टर बनोगे, नो प्रॉब्लम, पर आपके घर पे पोस्टर लगा होना चाहिए, सामने क्लियर होना चाहिए कि मुझे कलेक्टर बनना है। अगर आप IIM अहमदाबाद से MBA करना चाहते हैं, तो अहमदाबाद का IIM का पोस्टर लगा दीजिए। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो आप डिफेंस से रिलेटेड पोस्टर घर में लगा दीजिए। अगर आप जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड पहले तो एक दिमाग में इमेज होना चाहिए, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और उन इन्फॉर्मेशन के साथ आपको स्टडी करनी है। और याद रखिएगा, इन एग्ज़ाम में हाईएस्ट बच्चे वो सिलेक्ट होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो कि 10th से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। मुझसे कई बच्चे ऐसा बोलते हैं, कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर देखिए, वो तो ग्रेजुएशन के साथ हो गया, मुझे 3 साल हो गए ग्रेजुएशन के बाद, मैं नहीं हुआ। मैं उससे बोलता हूँ कि तुमको ये नहीं पता कि उसने कितने समय पहले से प्रिपरेशन की है। जैसे जब कोई एक अच्छा प्लेयर हम देखते हैं, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि उसने बहुत पहले मेहनत की होगी। हुसैन बोल्ट, जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं रनिंग में, उसके पास तो एक समय जूते भी नहीं थे, पर जो समय जूते नहीं थे या जब वो खुद प्रैक्टिस करता था, वो समय हम नहीं जानते। तो हमें ये समझना है, माइकल फ्लिप्स 6-6 घंटे पानी में रहता जब जाके उसने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते स्विमिंग में, पर जो उसने मेहनत की है, वो मेहनत हमें देखनी पड़ेगी। तो जो मेहनत वाला टाइम होता है, वो किसी को नहीं दिखता। तो आपका मेहनत वाला टाइम है क्लास 10th से लेके ग्रेजुएशन तक का, और अगर ये मेहनत आपने की है, तो आप हर वो एग्जाम जो आप चाहते हो सिलेक्ट हो सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। और कोई दूसरा ये बोलेगा कि देखो, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गया, मैं 3 साल लग गए, पर वो ये ध्यान नहीं रखेगा कि उसने पीछे से कितनी मेहनत की। जैसे एक अच्छा प्लेयर बनना हो, तो बहुत छोटेपन से, मतलब 3 या 4 या 5 साल से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। वही रूल यहाँ पे अप्लाई होता है कि अच्छा करियर थ्रू एजुकेशन बनाना है, तो 9th-10th से अच्छा कोई टाइम हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि 11th-12th वाले कुछ नहीं करते या ग्रेजुएशन वाले नहीं करते, वो सब भी इनको अचीव करते हैं, पर ऑप्शंस कम हो जाते हैं, फाइट ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप 9th और 10th में, ये बिल्कुल फोकस सेशन है 9th-10th स्टूडेंट के लिए, आप अगर 8th-9th-10th में हैं, तो आप अभी से अपने गोल को सेट करिए। मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करूंगा अगले 6 साल 10 साल जब तक मैं हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं, आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। मेरा डोमेन ही इतना अच्छा है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट मुझसे कनेक्ट रहता है। तो बात करते हैं कि UPSC अगर आपको देना है, PSC या स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी दे सकते हैं, पर UPSC सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। और अगर आपका सपना है कलेक्टर बनना, IAS बनना, IPS बनना, तो आप अभी से 9th-10th से फोकस हो जाएं, न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालें, एडिटोरियल पेज रेगुलर पढ़ें, वर्ल्ड हिस्ट्री देखें, जनरल नॉलेज पे जितना कमांड कर सकते हैं करिए। रोज़ की एक आदत डाल लीजिए कि 30-20 मिनट हमें जनरल नॉलेज पे देना है। अगर आप कैट या टॉप 20 स्कूल से MBA करना चाहते हैं, तो आप अपनी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाइए, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाइए, नॉवेल्स पढ़ने की आदत डालिए, जितना फास्ट रीडिंग स्पीड हो सकती करिए। ट्राई करिए कि 400 वर्ड आपकी पर मिनट होना चाहिए ग्रेजुएशन के जाते जाते तक। अगर आप गेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नॉर्मली जो BTEC वाले देते हैं, तो आप अभी से ध्यान रखिए कि बिल्कुल आपका सब्जेक्ट नॉलेज पे बहुत कमांड होना चाहिए। गेट में जो ब्रांच होती है आपकी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, उस ब्रांच से रिलेटेड ही आप MTEC करेंगे, तो आपका सब्जेक्ट पे और बेसिक एप्टीट्यूड लगता है, बहुत स्ट्रांग कमांड होना चाहिए। अगर आप BTEC नहीं कर रहे हैं, BCA, BBA, BSc कर रहे हैं, तो MCA एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू आप NITs के थ्रू MCA कर सकते हैं, जहां पर आप टॉप NITs से MCA करके अच्छे जॉब ले सकते हैं। अगर आपका इन सब के अलावा SSC, रेलवे, बैंकिंग, इन सब में इंटरेस्ट है, तो वही बेसिक जनरल नॉलेज और इन सब पे आप फोकस कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक बात है
कि हम समझें कि 9th 10th क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो लोग जो बच्चे 9th 10th में अपने गोल को सेट करते हैं, 9th 10th में ही डिसाइड करते हैं मुझे लाइफ में क्या करना है, वो डेफिनेटली, और जो मुझसे पूछते हैं ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं सीरियस होते हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। तो आप अपने गोल को सेट करिए और सबसे पहले ये सेट करिए कि आपको आगे जाके 11th में क्या सब्जेक्ट लेना है। मैंने फिर बोला कन्फ्यूजन स्टेज कभी भी ना आने दें, चाहे कॉमर्स लें, चाहे मैथ्स लें, चाहे बायो लें, चाहे आर्ट्स लें, कोई भी फील्ड ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैथ एडिशनल जरूर लीजिएगा, ये पर्सनल सजेशन है, बिकॉज मैथ से आपको लॉन्ग टर्म एडवांटेज होंगी। और वो लॉन्ग टर्म एडवांटेज आप समझ रहे होंगे कि कोई भी एग्ज़ाम जो मैंने लिखा है कहीं ना कहीं मैथ से कनेक्ट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेसिक मैथ से। 11th और 12th में हायर मैथ्स होती है, हर एग्ज़ाम में हायर मैथ्स काम नहीं आती, ये मैं खुद भी बोलूँगा, IIT या NDA को छोड़ दें तो हायर मैथ्स हर जगह काम नहीं आती, पर हायर मैथ्स होने के वजह से हमारे लॉजिक्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, रीजनिंग पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आगे जो भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ्स आती है उसको हम बहुत इजीली हैंडल कर पाते हैं। तो जो सिंपल ग्रेजुएट होते हैं, सिंपल कॉमर्स ग्रेजुएट, उससे अगर हम देखें तो हम कहीं ना कहीं फास्ट हो जाते हैं। तो जब हमारे पास ये चॉइस है, देखिए उनके पास चॉइस नहीं, पर ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, मैंने अपनी लाइफ में हर स्टूडेंट को पढ़ाया, वीक से वीक स्टूडेंट को पढ़ाया होगा, और वो आज कहाँ कहाँ पहुँच गए मैं देखता हूँ, बहुत कम समय में भी उन्होंने अपने गोल अचीव किए। क्योंकि जब भी मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस दिन जागो, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया क्या करना है, उस दिन के बाद आप वो कर लोगे जो आपने सोचा है, पर डिसाइड, दिक्कत ये है कि हम डिसाइड ही नहीं करते, कन्फ्यूजन की स्टेज में रहते हैं। वो कन्फ्यूजन की स्टेज से आपको बाहर निकलना है, अपने आप को फोकस होकर पढ़ाई करनी है। इसके अलावा भी और सारे एग्जाम्स होते हैं, उनकी भी आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो कॉमन ऐसे एग्जाम है जिनको आपने 5th 6th 7th के बाद जब से आप पढ़ाई कर रहे हो सुनते रहते हो, इसलिए मैंने ये लिखे हुए हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ऐसे एग्जाम है जिनके थ्रू आप अपनी बहुत अच्छे करियर को अचीव कर सकते हो, फोकस हो जाएं। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से जितने दूर रहें, 9th 10th के बच्चों को स्पेशली बोलूँगा, मोबाइल से बचें, मोबाइल गेम से बचें, बिल्कुल कोशिश करें कि मोबाइल का यूज ना हो, और हो तो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड के लिए हो, बाकी ना करें, बिल्कुल ना करें। आज सबसे ज़्यादा टाइम हमारा कहीं ना कहीं फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल में खर्च होता है, अपने आप को उससे दूर रखिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को वहाँ एंगेज करें या टाइम दें, लिमिटेड टाइम है, इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं होता, मैं बोलता हूँ मोबाइल बंद कर दो, टाइम की कमी अपने आप आपको समझ में जाएगी, आपके पास टाइम बहुत होता है, आपको पता नहीं होता कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूँगा कि जितना हो सके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से दूर रहें, फिजिकल एजुकेशन जरूर करें। आज अगर मैं बोलता हूँ कि कोई गेम खेलो, तो गेम मतलब मोबाइल गेम नहीं, कम से कम 9th 10th के स्टूडेंट को बोलूँगा एक लाइफ का रूटीन बना लो कि रोज 30 मिनट से 45 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, वो चाहे रनिंग हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे लॉन टेनिस हो, चाहे टेबल टेनिस हो, कोई ना कोई एक स्पोर्ट आप, या कोई ना कोई एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें जिससे आपका मेंटल लेवल डेवलप हो। देखिए फिजिकल एक्सरसाइज से हम कहीं ना कहीं अपने लॉजिक को और इंटेलिजेंस को इंक्रीज करते हैं। तो आप सबको मैं बोलूँगा कि एक आदत में डाल लो, चाहे सुबह उठो चाहे रात को, और टाइम सबके पास होता है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करें। क्लास 9th 10th में है तो स्कूल के साथ साथ आपको, हो सकता है आप कोई इंस्टीट्यूट भी जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, उसके बाद भी आपको रोज़ एक रूल बना लेना है कि मिनिमम 2 to 3 hours प्रिपरेशन करनी है। संडे और फेस्टिवल के दिन जब छुट्टियां होती हैं उस दिन स्कूल जैसे आप जाते हो बिल्कुल स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार हो जाओ और पढ़ने बैठ जाओ ये सोच के कि बस अब मैं स्कूल में शू पहन के पढ़ाई करूँ। शू पहन के पढ़ाई करोगे कभी बिस्तर पे नहीं बैठोगे। बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रखनी पड़ेगी, कहीं दिमाग में निगेटिव थाट्स ना आने दें। और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बोलूँगा मेरे अंदर कोई निगेटिव थाट्स नहीं आते, वैसे आपके अंदर भी नहीं आएंगे, आपने जो सोचा है जो ठाना है वो कर लोगे। कोई निगेटिव मेरा होगा कि नहीं, मैं कर पाऊँगा कि नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। हमेशा ये सोचो कि मैं कर सकता हूँ, और मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। मुझे अपने पेरेंट्स को कुछ अच्छा रिजल्ट देना है, मुझे अपने लिए करना है। सबसे पहली चीज़ ये कि हमेशा याद रखिए, जो आप करते हैं उससे आपका करियर बनता है, किसी और का नहीं। आपके माँ बाप आपके करियर पर खुश होंगे, पर बनेगा तो आप ही का। तो समय रहते हुए राइट टाइम डिसीजन अगर ले लिया जाए कि क्या करना है, तो आप 9th 10th में रहते हुए वो जो 6 ईयर बाद आपको गोल अचीव करना है वो आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो रास्ते हैं, आगे जाके कहीं ना कहीं आप UPSC, GATE, CAT, CLAT इनमें से कोई ना कोई एग्जाम देने वाले हैं। पर अगर बेस यहाँ से स्ट्रांग बना लिया तो आपको कैसे कोई रोक सकता है। आज हम देखें, आज से
आज हम देखें तो कैट में, स्पेशली बोल रहा हूँ कैट में, इंजीनियर ग्रेजुएट सबसे ज़्यादा एंट्री ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मार्केट की डिमांड है टेक्निकल विथ मैनेजमेंट, मतलब एक बंदा जो टेक्निकल है उसको हैंडल करने के लिए ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा जॉब है। उसको एक टेक्निकल बंदे को मैनेज करने के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जो टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ मैनेजमेंट की नॉलेज भी रखे। तो आज सबसे ज़्यादा आईआईटीएस कैट में सेलेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद एनआईटीज वाले बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि कैट 3 स्टेज एग्जाम होता है, रिटन टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है। 9th 10th के परसेंटेज का वेटेज होता है, 10th और 12th के परसेंटेज का वेटेज होता है कैट में। अब कई लोगों को ग्रेजुएशन में आके ये बात समझ में आती है, अब 10th और 12th में परसेंट कम है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप समझिए कि कैट में आज 70-80% बच्चे जो है वो बीटेक वाले हो गए। इवन यूपीएससी में आज सबसे ज़्यादा बीटेक वाले बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि कई बार उनको लगता है कि नहीं, हमें सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, और क्योंकि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ज़्यादा हो रहे हैं तो उनका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। अच्छा, उनके सिलेक्शन के चांस इसलिए भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्होंने 12th के बाद एक फाइट की एग्जाम में, एक एग्जाम पहले से निकाला होता है आईआईटी वगैरह, तो उनमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अगला एग्जाम भी निकाल लूँगा। तो क्यों ना हम 9th 10th ही डिसाइड कर ले कि हम अभी से 9th 10th में भी हम अच्छे एग्जाम्स को क्रैक करेंगे, 11th 12th के बाद भी करेंगे और बाद में भी करेंगे। ऐसे ही कैट के साथ होता है, गेट के साथ होता है, या जीआरई अगर आपको बाहर जाना है, जीआरई जीमेट आप देंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने अपनी 11th 12th की प्रिपरेशन अच्छी की हुई है, ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से किया है, तो आपका अपने आप ही नॉलेज लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि आप इन एग्जाम्स को बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। तो राइट टाइम है, बिल्कुल राइट टाइम है कि 9th 10th से अपने आप को फोकस करें। और 9th स्टूडेंट को मैं बोलूँगा कि 9th में इन एग्जाम्स के बारे में ज़्यादा ना सोचें, 9th पे तो ये फोकस रखें कि क्लास 9th का पूरा सिलेबस करना है और 10th का पूरा करना है, और 10th में आके 10th का सिलेबस के साथ साथ 11th का सिलेबस करना, और स्पेशली बाकी सिलेबस करो ना करो मैथ्स जरूर कर लो, क्योंकि मैथ्स करने से आपके लॉजिक सेंस डेवलप होंगे, आप थोड़ा सा सोच पाएंगे कि आपको किस एग्जाम की तरफ जाना है। क्योंकि अगर आपने 10th में रहते हुए 11th का मैथ्स कवर कर लिया तो आप क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को, सीपीटी के, आईआईटी के या मेडिकल के पेपर्स को देख के समझ पाओगे कि आप किस में ज़्यादा फिट बैठते हो, और अकॉर्डिंग टू एग्जाम आप आगे जाके सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो और इनमें से किसी भी एक एग्जाम को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको डिफेंस में जाना है, एनडीए में जाना है, तो मैं बोलूँगा एनसीसी आप क्लास 9th 10th से ले लें, इसका वेटेज मिलेगा, इसमें ए बी सी सर्टिफिकेट्स होते हैं, इसका एडवांटेज आपको आगे जाके मिलेगा। दूसरा, एनसीसी के थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप डिफेंस के लिए सूटेबल हैं कि नहीं, खुद से आप समझ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिफेंस का एक पार्शियली पार्ट होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें समझना है। तो एक जनरल सेशन मैंने आज आपके साथ लिया है। अब ऐसे ही हर पर्टिकुलर एग्जाम्स के सेशन, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और इवन एनटीएससी का भी एग्जाम आने वाला है, इसके मैट और मेंटल एबिलिटी टेस्ट और मैथ्स के पेपर्स मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि कोई भी बच्चा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कोई भी बच्चा क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेता है, पर क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इन सब सब्जेक्ट को मैंने पूरा कवर कर रखा हुआ है, तो आप इनसे जब पढ़ेंगे तो आपकी अपने आप ही एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होगी, और आप किसी भी एग्जाम को जो भी देने वाले हैं वो आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, और आई नो कि इसमें कई सारी चीज़ें हो सकता है मिसिंग रही हो जो आप जानना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा कि आप अपने कमेंट्स या मैसेज लिखें, मैं आगे भी इस तरह के सेशंस रेगुलरली लेता रहूँगा, जिससे कि मैं आपके धीरे धीरे डाउट दूर कर सकूँ। अभी ये केवल सेशन ये था कि 9th 10th एक सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है अपने गोल को सेट करने का, तो राइट टाइम है कि आप अपने गोल को सेट करें और उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ें, आप बिल्कुल वो सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।